कहानियाँ कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी। कुछ लोग कहानी को सच मानते हैं, कुछ लोग झूठ। ऐसी ही एक कहानी है रामायण की। रामायण की कहानी को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आज आपको ऐसी ही जगह से परिचित कराना चाहता हूँ जिस जगह का नाम है चित्रकूट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सनील तिवारी चैनल। तो हम आ चुके हैं चित्रकूट। आपको अभी दिख नहीं रहा होगा कि चित्रकूट कितना सुंदर है। चित्रकूट की जो सुंदरता है ना, मैं आपको कल सुबह से दिखाना स्टार्ट करूंगा। तो जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें सनील तिवारी चैनल। और हमारे साथ जा रहे हैं, जैसे कि हम इंट्रो फिर से कराते थे, अर्चित नायक, सॉरी अर्चित अग्रवाल, मनोज शर्मा जी, बिल्कुल हैं जी, और ऋषभ तिवारी। यहाँ पे नाव ना ऐसे सुंदर सुंदर तरीके से सजा दी जाती हैं। मुझे यहाँ पे आके ना सबसे बेस्ट चीज़ दो चीज़ लगी अभी तो, मुझे बजरंगबली की मूर्ति और एक यहाँ पे नाव को ऐसा सजाया गया है ना, तो उसे देख के मन तो कर रहा बैठ जाऊँ, लेकिन अभी सोच रहे सुबह बैठेंगे, अभी रात को क्या ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे चेयर पे बैठ के आप नज़ारे ले सकते हैं रात के, दिन के। यहाँ पे आपको एक छोटी लोकल मार्केट भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको भगवान जी के कुछ भी प्रोडक्ट लेने का मन भी कर सकता है। मनोज और मुझ में कंपटीशन रख रहे हैं हम, तुम यहाँ से रिकॉर्डिंग करना कौन पहले सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है, ठीक है? ऊपर सबसे पहले जो चढ़ेगा कोई कंपटीशन, पर गिरेंगे तो फिर दर्द तो नहीं होगा? दर्द होगा, चलो आगे चल रहे हैं। चलो कंपटीशन रद्द करते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं गिर जाएंगे तो दर्द हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये लाइन भी फिर से कॉपी हो चुकी है, कॉपी तो हो चुकी है, लेकिन वो एक सत्य है, ये एक अटल सत्य है। ये मैं राम घाट पर पहुंच चुका हूं और यहां से उस तरफ जाने का रास्ता है, और राम घाट के पास ही में एक ब्रह्म परमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये देखिए, ये बड़े वाले हनुमान जी के दर्शन कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी विशालकाय मूर्ति है इनकी, और इनके गले पर राम लिखा हुआ है। यहाँ पे श्रद्धालु ऐसे सो जाते हैं यहाँ पे रात को, और यहाँ पे मतलब अभी इतनी ठंड नहीं है कि आदमी बाहर सो सकता है, अभी नॉर्मल है यहाँ पे टेम्परेचर। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन रेसर से, जो कि हाथ छोड़ के अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। हट जाओ, वो रेसर है जो गिरा अभी थोड़ी देर पीछे, मुंह के बल गिरा था। पता नहीं हमारे ब्लॉग में ऐसा क्या होता है, जब भी हम कहीं ऐसी से आते चप्पल इनके साथ कुछ ना कुछ होता है, मोस्टली सबसे चप्पल टूटती है, तो चप्पल टूट चुकी है। इसको भी इस तरह से ट्रीट कर देते हैं जैसे कि चप्पल टूटने पर ही आनंद ले रहे, ऐसे कर देते हैं, हाथों से खिला रहे हैं। तिन्नू जी, एक और कभी भी किसी को भी आप भोजन कराओ तो जमीन पर मत फेंको, इससे भोजन का और भोजन करने वाले का भी अपमान होता है। वाह, आज आपने बहुत ज्ञान की बात कर दी दो पैग पीने के बाद, लेकिन ऐसा हम आपको रोज रोज नहीं करने देंगे। ज्ञान निकलता है, नहीं अंकल भगवान के हर पीने वाले ही बोलता है। तुम्हारा चित्र को डाना बेकार है जाए, तुम सच बोलो, हमने पिया है पैग दारू और हम तुमसे पूछ रहे हैं पानी पिया है। तो दोस्तों, आज आपने चाय की टेपरी खोलते हो, कैसा लग रहा है आज आपको? आज बहुत ही अच्छा सम्मान भरा काम। तो भैया वो सब बात में कीजिएगा, अभी मैं सोचिएगा, आप ऐसे मेरी वीडियो बनाएंगे तो मैं आपके 80 रुपये माफ़ कर दूंगा पहले, बस ठीक है। आप हम आपको टिप भी देंगे चाय बनाने का, 80 रुपये चाय के, 25 रुपये बिस्किट के, 105 रुपये हमारे हाथों में दें, उसके बाद बात करें आप। 15 हाँ, 3 बिस्किट हो गए, हाँ 15, 105 रुपये दीजिए आप हिसाब में कच्चे, हम आपको 1 रुपये नहीं देंगे। अरे 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 प्लीज, ये कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, कहाँ गए थे? पूछिए भैया, पूछिए पूछ लीजिए, हम है ना, पूछिए। अरे पूछ लीजिए, हम सेटिंग से बात कर ले, बस देख है, खुद बता दी भैया, ये सेटिंग मतलब ये ले वीडियो बन रही है, ठीक है पापा ही दिखाएंगे। दो 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 दो।
देखिए चाय कैसी है। तो दोस्तों रामघाट पे घूमते घूमते कई प्राचीन मंदिर देखते देखते और उसके बाद चाय पीने के बाद हम अपने रूम पे जाकर सो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारे सामने एक सबसे बड़ा टास्क है, हमारे साहब सो रहे हैं, इनको जगाना पड़ेगा। उठ जाओ, चित्रकूट उठ जाओ यार। बताइए यहाँ पे भगवान श्री राम यहाँ पे रुके हुए थे। बताइए यहाँ पे सीता की रसोई की है। आपको नींद नहीं आ रही है? फ्रेश हुआ कॉलेज ऑर्डर करूँ। आपको नींद नहीं आ रही है जो आपने चित्रकूट करूँ मैं स्टूडेंट लेके आए। दोस्तों सुबह हो चुकी है, सामने एक मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। मंदिर बहुत ही प्यारा है, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा है। बाहर ही आपको शनिदेव का मंदिर मिल जाएगा और एक छोटा सा जूत उतार देते हैं। जय हो शनिदेव महाराज। जो गलती हो माफ करिए भैया। जय हिंद। टेम्पू कर लिया है, 1,500 रुपये ले रहे हैं यहाँ से कामतगिरी तक के। 1,500 रुपये लिए गए, 300 रुपये पर सवारी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो दे देते हैं। ये वाले भैया हैं। जय श्री राम। ये देखो 50 किलो का कट्टा उठा के ले जा रहे हैं ताऊ। और आज अमावस्या है, आज अमावस्या है तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ हो सकती है आज के दिन। दोस्तों अगर जो वीडियो कट भई नहीं तो कौ ब्लॉग मत देखी, बिल्कुल ब्लॉग मत देखी अगर जो वीडियो कट भई तो मेरी आवाज़, अगर दोस्तों मेरी आवाज़ कट हुई जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है कमतगिरी पर्वत। अंदर उन्होंने इसी के अंदर अपने 13 साल जो 14 साल का उनका वनवास था तो उसमें से उन्होंने 13 साल का वनवास इसी जंगलों में, इन्हीं जंगलों में अपना व्यतीत किया, इन्हीं चित्रकूट की गलियों में। अच्छा आप यहीं रहते हैं क्या? श्री राम जय जय पे इतना ज्यादा प्रोत्साहन लग रहा है, सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा होगा आपको। मैं तो भाई पर हमें चित्रकूट आ रहा हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा है, आप लोग जैसा मेरे तो बढ़िया। मैं आता हूँ। आप कितनी बार आते हैं? आ चुके हैं यहाँ पर? अच्छा यहाँ पर हर साल आते हैं आप? हर साल 12 मास। अच्छा हर महीने? हर महीने। अच्छा देखते हैं दोस्तों। हाँ जी अंकल जी, यहाँ पर हर महीने हर अमावस को यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर भगवान का आनंद ही इस तरीके की रुचि छाई हुई है। भगवान विराजमान है यहाँ पे, यहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान है। बिल्कुल विराजमान। अच्छा मुख्य गेट पे आ चुका हूँ जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ है। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद निकल गए, मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो बाहर से जैसे एकदम। और आज ना यहाँ पे अमावस्या का मेला लगा हुआ है, भीड़ बहुत ज्यादा है। We'll be right back.
पर्वत पर परिक्रमा लगाकर आपको एक बार राम जी का अस्तित्व अपने आसपास ही नजर आएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक मंदिर देखा जिसकी सीढ़ियाँ बहुत ऊंची थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस मंदिर पर देखा जाए कि ऐसा क्या है जो इतनी सीढ़ियाँ। और ऊपर जाने के बाद वहाँ हमें कुछ नहीं नज़र आया, एक छोटी सी गुफा और एक छोटी सी गाय की मूर्ति, तो हमने सोचा हमारा कट गया। दोस्तों इसको चढ़ने के बाद सांस फूल चुकी, गर्मी भी लग रही है। कहाँ बैठ गई? पुराने सारे मंदिरों को देखते हुए और लोगों की भक्ति को देखते हुए 5 किलोमीटर पर कमा कब संपूर्ण होगी हमें पता ही नहीं चला। सब छीन ले, दोस्तों परिक्रमा यहीं पे हमने समाप्त कर लिया। हम जा रहे हैं अपने जूते समाप्त नहीं संपूर्ण कर लिया है। हम जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, नेक्स्ट मंदिर पे, तो एक्सप्लोर करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी देख पाएंगे आगे। हाँ, लेकिन सोच समझ के करना, मैं तो ये कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अपना सपना देखा है हमने, वो पूरा होगा। आंखों में देखा है सपना। लो जय कुशल, लो कह दे।